विपक्ष के 26 दलों ने अपने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बेंगलुरु में हुई बैठक में विपक्ष के गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया नाम दिया गया। इसके बाद इंडिया नाम को लेकर ही सियासी जंग शुरू हो गई। बीजेपी ने गठबंधन में शामिल कांग्रेस और अन्य दलों पर इंडिया नाम को लेकर निशाना साधा था। ये मामला थाने तक पहुंच चुका है। अब विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर सी वोटर ने एक सर्वे किया है। सर्वे में विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर 2664 लोगों से सवाल किया गया। लोगों से पूछा गया कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखना सही है या गलत। इस सवाल पर बेहद चौंकाने वाले जवाब मिले हैं। सर्वे में शामिल लोगों में से 49% का मानना है कि ये सही नाम है, जबकि 39% का कहना है कि गलत नाम दिया गया है। वहीं 12% लोगों ने पता नहीं में जवाब दिया। बता दें कि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एकजुट हो गए हैं। इन दलों की पहली मीटिंग बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। इसके बाद दूसरी मीटिंग 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई। इस बैठक में कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट और आम आदमी पार्टी समेत 26 दलों के नेता शामिल हुए थे। इस मीटिंग के बाद ऐलान हुआ कि 26 पार्टियों के इस गठबंधन का नाम इंडिया होगा।